गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लुक एंड फील फ्रेश ऑल डे लॉन्ग इन दिस समर। अब यार आई नो कि गर्मी इतनी ज़्यादा मतलब तड़ाकेदार पड़ रही है और मैंने जो इस टाइम पे ना दिमाग भी काम नहीं आता, मतलब समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। और बेसिकली इस टाइम पे भी मतलब इतनी गर्मियों में पूरे दिन भर फ्रेश दिखना, फ्रेश फील करना यार एक बहुत बड़ा टास्क है। बट जब तक आप भाई है ना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 7 टिप्स जिसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करो तो यार आप पूरे दिन भर ना मतलब काफ़ी फ्रेश दिखने वाले हो, फ्रेश फील करने वाले हो। और आपको तो पता ही है, इफ़ यू फील गुड देन यू लुक गुड, मतलब अगर आप अच्छा फील करोगे तो आप अच्छा दिखाई भी दोगे। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखते रहना। बाय द वे, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज साहिल एंड आई एम योर शो ऑन मैन फैशन ग्रूमिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो, उसको पहली बार देख रहे हो, तो यार अभी चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम बिना किसी के इशू को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास वो है क्लॉथिंग, कि आपको क्लॉथिंग में क्या करना है जिससे कि आप अच्छे फील करोगे और अच्छा दिखाई भी दोगे, मतलब फ्रेश दिखाई दोगे। तो यहाँ पर क्लॉथिंग में फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो होती है कि मतलब परफेक्ट क्लॉथ पहनो, और प्लस दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि आप ना मतलब गंदे कपड़े मत पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो। मतलब 3-4 दिन के वही कपड़े पहन के आप घसीट रहे हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। डेली जो अपने कपड़े हैं वो चेंज करो, क्योंकि यार पसीना वगैरह उसमें लगा रहता है, फिर जिस वजह से आप अच्छा फील नहीं करोगे तो आप अच्छा दिखाई भी नहीं दोगे और फ्रेश फील नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है कि मतलब आपने जो कपड़े हैं ना वो अच्छे पहनने हैं, और आपको परफेक्ट क्लॉथ पहनने हैं जो आपको पसंद होते हैं ना वही आपको पहनने हैं। और बेसिकली ये सब जो चीज़ें साइड में, क्योंकि हर बंदा ऐसे ही करता है। यहाँ पर इसमें आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि यार यहाँ पर ना कलर कॉम्बिनेशन का बहुत फ़र्क होता है। अगर आप अपने कपड़ों में इस गर्मियों में ना अगर कलर कॉम्बिनेशन सही कर लो तो आपको गर्मी नहीं लग पाएगी, बट अगर आप वही कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं कर पाओगे तो आपको जो गर्मी है ना वो भर भर के लगेगी। तो जैसे इसमें आपको क्या करना है कि आप जितने भी डार्क कलर के कपड़े पहनते हो ना, ब्लैक हो गया, फिर डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, अगर बहुत ऐसे डार्क कपड़े पहनते हो तो यार ये पहनना बंद कर दो। क्योंकि यार अगर आप इसको पहनते हो तो ये क्या होता है ना कि ये मतलब लाइट ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं, और जैसे आप बाहर जाओगे तो अगर लाइट पड़ेगी तो इस पर तो बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो गर्मी है ना वो और भी काफ़ी होगी। तो अगर आप इन गर्मियों में ब्लैक कलर के शर्ट या फिर टी शर्ट वगैरह पहनते हो या फिर डार्क कलर के कपड़े वगैरह पहनते हो, भाई बिल्कुल भी अवॉइड कर दो, तो आप कर लो। नेक्स्ट इसमें क्या है कि यार आपको लाइट कपड़े पहनने, लाइट कलर क्या करते हैं ना कि लाइट कलर अपने जो रेज वगैरह होती है ना उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी नहीं लग पाएगी। और प्लस यहाँ पर आपको लाइट कलर में फ़ायदा भी है कि मतलब पसीने के जो स्टेंस बन जाते हैं ना वो भी नहीं बनेंगे, और ब्लैक कलर में वो अगर बनते हैं तो वो काफ़ी दिखाई देते हैं, वाइट वाइट काफ़ी दिखाई देते हैं आर्मपिट के एरिया पे। तो ये इसमें काफ़ी फ़ायदा है। और जब तक इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तब तक आप जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो आप पहन सकते हो, काफ़ी मतलब मस्त रहने वाले हो आप, और अच्छा फील करोगे और पूरे दिन पर काफ़ी आप फ्रेश रहोगे। गर्मी नहीं आएगी तो वैसे ही आप काफ़ी फ्रेश रहने वाले हो। अब यहाँ बात आती है कि इसमें आपको कपड़े अवॉइड कौन से करने हैं और पहनने कौन से हैं। तो बेसिकली आपको उस तरह के कपड़े बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं जो कि मतलब बहुत टाइट होते हैं और आपकी मतलब बॉडी पर बिल्कुल भी चिपके होते हैं, या फिर अगर आप पैंट वगैरह में स्किनी फिट वगैरह पहन रहे हो या फिर आप स्लिम फिट वगैरह भी पहन रहे हो तो यार इन गर्मियों में आप उसको अवॉइड करो। आप रेगुलर फिट वगैरह पहन सकते हो, और या फिर जो ऊपर की अगर हम बात करें तो इसमें आप जो खुले कपड़े होते हैं ना वो आप पहन सकते हो, ताकि एयर फ्लो बना रहे और आपको पसीने ज़्यादा ना हो, और जिसकी वजह से अगर पसीने वगैरह होंगे तो आप अच्छा फील नहीं करोगे और पूरे दिन हमारा फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। और आई थिंक मेरे जो हेयर स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा, और ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है अपने आपको मेंटेन रखना। और नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि आपको पहनना क्या है कि यार आप कॉटन या फिर जो लेनन के कपड़े होते हैं ना वो आप पहन सकते हो, पूरे गर्मी में आप काफ़ी सही रहने वाले हो। नंबर सेकंड हमारे पास है वो है स्टॉप वॉशिंग योर फेस अगेन एंड अगेन। बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि यार उनके फेस पर ऐसे पसीना आता है या फिर ऑयल वगैरह आता है, जस्ट वो क्या करते हैं कि मतलब दिन भर में ना 50 बार ही अपने फेस को वॉश कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो यार ऐसा बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि यार मतलब अगर आप ऐसा करते हो जस्ट आपको क्या होता है ना कि आप यूँ सोचते हो कि आप जितने फेस पर ऑयल आ रहा है हम जितने बार फेस को वॉश करेंगे ना तो हमारा जो ऑयल है उतना क्लीन होगा और हमारी जो स्किन है वो अच्छी दिखाई देगी, बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये पूरा मिथ है। यहाँ पर जस्ट क्या होता है कि आपके फेस पर ना एक नेचुरल ऑयल होता है वो उसका नाम होता है सीबम। जैसे अगर आप बार बार अपने फेस को मतलब वॉश करोगे तो आपकी स्किन को लगता है कि यार जो ऑयल है ना वो खत्म हो चुका है, और फिर जैसे आपकी स्किन क्या करती है कि फिर उसको दोबारा से प्रोड्यूस करती है, और फिर जितनी बार आप फेस वॉश करोगे फिर बार बार आपको जो ऑयल है ना वो और भी काफ़ी आएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बार बार आपको फेस को बिल्कुल वॉश नहीं करना, दिन में सिर्फ आपको 2 बार वॉश करना है, सुबह में जब नहाने जाते हो तब, या फिर आप जब रात को सोने जाते हो उससे पहले 2 टाइम वॉश करो, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। नंबर 3rd हमारे पास वो है यूज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। बहुत सारे बंदे होते हैं यार वो मॉइस्चराइजर यूज़ ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि यार हमारी जो स्किन है वो एक तो पहले से काफ़ी ऑयल है वो ऑयल निकालती रहती है, और दूसरी चीज़ अगर हम मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे तो इससे हमारी जो स्किन है वो और भी काफ़ी ऑयली हो जाएगी। तो भाई ये भी बहुत बड़ा मिथ है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो ऑयली हो रही है, दैट मीन्स कि यार आप गलत मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो। आपको जो मॉइस्चराइजर है ना वो ऑयल फ्री यूज़ करना है आपको बिल्कुल भी, मतलब ऐसे वाला मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना जो ऑयल बेस्ड हो, ऐसा मॉइस्चराइजर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, नहीं तो फिर ऑब्वियसली सी बात यार आप जितने बार मॉइस्चराइजर लगाओगे जो ऑयल है ना वो आना ही आना है। जब भी आप मॉइस्चराइजर वगैरह लेने जा रहे हो तो उसमें एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, उसमें ऑयल ना हो, ऑयल फ्री हो। और यार आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो।
मॉइस्चराइजर से हमारी जो स्किन है वो काफी हाइड्रेट रहती है और काफी सही रहेगी, और इन समर्स में हमारी जो स्किन है वो काफी ग्लोइंग रहेगी, वो काफी सही रहेगी। नंबर फोर्थ हमारे पास वो है यूजिंग टू मच प्रोडक्ट ऑन हेयर। अब यार इतनी गर्मी में आप इतने ज्यादा अपने मतलब ऐसे हेयर वैक्स, हेयर जेल, हेयर स्प्रे वगैरह बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्ट आप यूज करोगे, मतलब भर भर के अगर प्रोडक्ट अपने हेयर में यूज करोगे, तो यार आपकी हेयर के साथ साथ ना आपकी जो स्किन है ना उसकी भी लगने वाली है अच्छी तरह से। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्चुअली होता क्या कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हो इन समर्स में अपने हेयर पे, तो यार पसीने के थ्रू हमारे जो मतलब प्रोडक्ट होता है ना वो हमारे फेस पर आएगा, और जो कि हमारे हेयर के साथ साथ हमारी मतलब स्किन की भी बैंड हो जा देगा। और अगर आप अपने हेयर में होल्ड देना चाहो तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट ना यूज़ करो तो काफ़ी सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके जो हेयर है वो हैवी हो जाएंगे और उसमें जो होल्ड है वो खत्म हो जाएगा। आप कोशिश करो कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करो अपने मतलब हेयर में, और अगर आप जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना उतना आपके जो हेयर होल्ड है वो लंबे टाइम तक बना रहेगा, और अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपके जो हेयर है वो काफ़ी बैठ जाएंगे। और यार दैट्स वाई आई हेट समर, और इसी वजह से मतलब समर को बिल्कुल पसंद नहीं है यार, क्योंकि इससे हमारी हेयर स्टाइल नहीं टिक पाते और पसीना वगैरह आ जाता है और मतलब हेयर स्टाइल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, और इस टाइम पे भी आई डोंट नो कि मेरे हेयर इतने सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। दैट्स ऑल। नंबर फिफ्थ हमारे पास वो है गेट ए शॉर्ट हेयर कट। अब यार आई नो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, भाई आपने बाल छोटे करवा लिए क्या, भाई बाल कटवा लिए क्या, भाई ये क्या कर लिया, भाई ये कब हुआ। आई नो येस, मैंने अपने जो हेयर है वो शॉर्ट करवा लिया, क्योंकि यार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है बहन जो, जिसमें मेरे बस की तो है नहीं अपने बाल को मैनेज करना और इतने बड़े बड़े बाल रख के उसको मैनेज करना, क्योंकि यार जितने बड़े बाल होंगे ना उसमें जो प्रोडक्ट है ना वो और भी काफ़ी लगेगा, और जिसकी वजह से हमारे फिर फेस पर प्रोडक्ट आएगा और मतलब फेस और भी काफ़ी ऑयली होगा और फेस पर पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम और भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग हेयर वगैरह रख रखा है आपने तो यार इन समर में सो अभी कटवा लो बाल अपने, बाल कटवाना और कुछ नहीं, और बाल कटवा के जस्ट आप शॉर्ट हेयर ट्राई करो, आप खुद ही फील करोगे यार आपको मतलब पहले से काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो और पहले से आप काफ़ी फ्रेश दिखाई दोगे, क्योंकि यार मतलब हमारे जो बाल जब शॉर्ट हो जाएंगे तो एयर फ्लो बना रहेगा, हमारे मतलब स्कैल्प ठंडी रहेगी और हम अच्छा फील करेंगे और फ्रेश फील करेंगे। डैट्स ऑल। तो बड़े बाल रखते हो तो भाई कटवा लो जाके बाल। नंबर सिक्स हमारे पास है वो है यूज़ ए गुड परफ्यूम। अभी जस्ट यहाँ पर आप मान लो कि आपने मस्त सी ड्रेस वगैरह पहनी हुई है, सब कुछ सही है, बट जब तक आपके अंदर से अच्छी स्मेल नहीं आ रही होगी ना तो यार आप खुद ही अच्छा फील नहीं करोगे और आप मतलब फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी मतलब आप कोई भी कपड़े वगैरह पहन लेते हो या फिर ऐसे नॉर्मल या बाहर जा रहे हो तो यार उससे पहले आप परफ्यूम वगैरह जरूर लगाओ। परफ्यूम आप दूसरों के लिए भी लगा सकते हो ताकि दूसरे भी अट्रैक्ट हो, बट यहाँ पर दूसरों के छोड़ के ना आप अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए जो परफ्यूम है ना वो यूज़ कर सकते हो। जब आप खुद अच्छा महकोगे ना तो यार आपको खुद ही मतलब माइंडली काफ़ी अच्छा ऐसा फील होगा कि आप काफ़ी फ्रेश हो। तो बेसिकली कोई अच्छा जो परफ्यूम है ना वो यूज़ करो, जिससे कि आपको खुद अच्छा फील होगा और आप पूरे दिन पर ना काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ्रेश फील करने वाले हो। नंबर सेवन्थ एंड लास्ट हमारे पास है वो है ऑलवेज कैरी हैंकी एंड वेट वाइप्स। बोल जाता हूँ यार मैं कभी कभी। यहाँ पर जैसे आपको क्या करना है, हैंकी और वेट वाइप जो है हमेशा आपको कैरी करना है इन गर्मियों में। समर में करो चाहे ना करो कोई पूछने नहीं जा रहा, बट यार इन गर्मियों में आपको कैरी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बंदे होते हैं यार वो मतलब ऐसे उनको पसीने वगैरह आते हैं, जस्ट ऐसे हाथ से यूं करा और वाइप कर लिया, जस्ट आपको पता भी नहीं यार आपके हाथ पे कितना बैक्टीरिया होते हैं, इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन पे पिंपल्स एक्ने आ सकते हैं। आपको हाथों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, या फिर कई सारे बंदे होते हैं भाई वो टी शर्ट उठाई जस्ट यूँ पोंछ लिया, अगर ऐसा करते तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जो हैंकी वगैरह ना वो रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी रख रखा है, क्योंकि जब मेरे को पसीने वगैरह आते हैं ना तो मैं जैसे इसी से अपने पसीने वाइप कर लेता हूँ। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर वेट वाइप की बात करें तो वो भी काफ़ी सही चीज़ होती है, उसको भी आप ले सकते हो, इससे आपकी स्किन पर से बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना वो खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं आएगा। और प्लस इससे अपना इंस्टेंटली काफ़ी अच्छा फील करते हो और ऐसा आप फील करोगे कि मतलब अभी आप फेस वॉश करके आए हो। तो ये वेट वाइप्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, अगर आप इसको बाय करना चाहो तो अमेजोन पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जाके उसको बाय कर सकते हो और काफ़ी अच्छा फील करने वाले और आप मतलब पूरे दिन भर ना काफ़ी फ्रेश दिखने वाले हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आशा करता हूँ जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आप पूरे दिन भर मतलब मॉर्निंग से नाइट तक आप काफ़ी फ्रेश दिखने वाले हो और आपकी जितनी प्रॉब्लम है सारी मैंने सॉल्व कर दी। थैंक्स मिले लेटर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना, और अभी चैनल पर नए हो उसको पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और जल्दी जल्दी जाकर 10K कंप्लीट करा दो यार, मतलब मजा ही है फिर तो बस हम ले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।